प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए केरलना तिरुवनंतपुर खाते विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की मुलाकात ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साथ जोड़ेला करोड़ों प्रकल्प लोकार्पण और शिलान्यास करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो गगनयान मिशन ने इसरो चीफ एस सोमनाथ समीक्षा करी हती। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर खाते संबोधन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जणाव्युं हतुं के दरेक राष्ट्रना विकास माटे अमुक क्षण एवा भावता होय छे जे वर्तमान साथे आवनारी पेढ़ीओ माटे पण व्याख्यायित करता होय छे। आजे भारत माटे आ विशेष क्षण छे। आजनी जनरेशन खूब भाग्यशाळी छे जेमने थळ जळ नभ અને અંતરિક્ષમાં ઐતિહાસિક કામો માટે યશ મળી રહ્યું છે। તેમણે મિશન ચંદ્રયાન 3 ની સફળતા યાદ કરતા ભારતનો પહેલો એવો દેશ બન્યો છે જેમણે ચંદ્રમાના દક્ષિણ પોલ પર ભારતીય તિરંગો ફરકાવ્યો છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શિવશક્તિ પોઈન્ટ આખી દુનિયાને ભારતની સમર્થનની ઓળખ આપી છે તેમ જણાવતા ચાર ગગનયાત્રા યાત્રીઓ અંગે વાત કરતા તેઓએ માત્ર ચાર નામ અને ચાર વ્યક્તિ માત્ર નથી પરંતુ તેઓ 140 કરોડ એક્સપ્રેશન સ્પેસ સુધી લઈ જવાવાળી ચાર શક્તિ હોવાનું જણાવ્યું હતું। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर 44 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होंगे। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बेहतर होगी। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21मी सदी भारत विकसित बनतु भारत दुनिया ने पोताना सामर्थ्य दुनिया ने चौंकावी रही होवानुं जणावता पाटला 10 वर्ष में भारत 400 सेटेलाइट लॉन्च कर्या होवानुं जणाव्युं हतुं। 2014 पहला मात्र 33 सेटेलाइट लॉन्च कर्या हता तेम जणाव्युं हतुं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए 10 वर्ष पहला आखा देश में एक अथवा बे स्टार्टअप हता ज्यारे आजे સ્ટાર્ટઅપની સંખ્યા 200 ને પાર પહોંચી હોવાનું જણાવ્યું હતું અને આ સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરનાર યુવાનોએ વિઝન ટેલેન્ટ અને મહેનત અને સરાવવા સાથે અભિનંદન પાઠવ્યું હતું।